बीजेपी के नेता नहीं है, वो बीजेपी के चमचा है। आज तक प्रधानमंत्री ने किसानों को बिल भिजवाया, आधे बीजेपी के 90% लोगों को खुद नहीं पता है किसान बिल है क्या। ये कौन साध्वी? साध्वी प्रज्ञा की बात कर रहा हूँ। अरे साध्वी प्रज्ञा से मुझे क्या लेना देना, वो साध्वी नहीं है उमा भारती। यार तुम बेवकूफ समझ रहे हो, पढ़े लिखे। अरे प्रज्ञा का मैंने क्या बताया प्रज्ञा का? अरे चक्रवर्ती सम्राट मेरे नरेंद्र मोदी जी, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अगर 2 रुपए भी या 5 रुपए बढ़ जाते थे तो ये चिल्लाया करते थे बैठ बैठ के, और सन 2022 में इनकी और सन 2024 में इनकी सरकार नहीं आने देंगे। संगठन के जो पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई कहीं कोरोना नहीं हो रहा किसी को, और जहां किसान इकट्ठे हों अपना हक मांगे, अपने हक की लड़ाई लड़े, वहीं कोरोना दिखाई देने लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार गुरुद्वारा में जाके माथा टेक रहे हैं, किसानों को कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। प्रधानमंत्री जब से बने तब से उन्होंने किया ही क्या है, सिर्फ झूठ के अलावा दूसरा कुछ कर ही नहीं पाए। गुरुद्वारे में माथा टेकने से क्या होगा, यहाँ किसान तैयार बैठे हैं वार्ता करने के लिए, दिल्ली में जाने के लिए। उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा तो वो आ भी सकते हैं, आ नहीं सकते हैं तो बैठा बुला करके वार्ता कर सकते हैं, किसानों की जो मनमर्जी मुताबिक उसको अपने बिलों में संशोधन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री हैं वो। लेकिन प्रधानमंत्री तो अपने बयान में भी कह रहे हैं कि अगर किसानों ने इस बिल को समझ लिया तो वो समझ जाएंगे और अपना आप उड़ जाएंगे, क्योंकि इस बिल से किसानों की आय दुगनी होने वाली। आज तक प्रधानमंत्री ने किसानों को बिल भिजवाया, बिल की एक एक कॉपी दिलवाएं सब किसानों को, सब लोग पढ़े लिखे हैं, हिंदी में दिलवाओ, सब पढ़ लिख लें। लगातार प्रस्ताव भेज रहे हैं किसानों के पास। आज आधे बीजेपी के 90% लोगों को खुद नहीं पता है किसान बिल है क्या। ये जो काले कानून लाए गए हैं, आप पूछो उनसे जाकर के, जो बीजेपी के चमचा बन के बैठे हैं उनसे ये पूछ लेना कि ये तीनों बिल क्या है, बता सकते हो? 90% लोगों को ये नहीं पता ये तीनों बिल हैं क्या। यह सरकार की इतनी हठधर्मिता है कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति उसने कोई शोक संवेदना प्रकट नहीं की, और पाकिस्तान के तमाम ऐसे लोग हैं, नरेंद्र मोदी यहाँ से उनके लिए शोक संवेदना कर रहे हैं। आप जो साध्वी की बात कर रहे हैं, साध्वी प्रज्ञा के, उनका बयान भी लगातार ये आया कि किसान ये खालिस्तानी है और तमाम तरह के आरोप लगा रही है। तो अब खालिस्त ऐसा है, जब वो हम 13 में आई थी तब कांग्रेस की सरकार थी, तब उमा भारती की बात कह रहा हूँ, और किसी आपने साध्वी का नाम भी लिया। कौन साध्वी? साध्वी प्रज्ञा की बात कर रहा हूँ। अरे साध्वी प्रज्ञा से मुझे क्या लेना देना, साध्वी प्रज्ञा से मैं बात करता हूँ? साध्वी प्रज्ञा को मैं नहीं जानता। कौन साध्वी? वो साध्वी नहीं है उमा भारती, वो साधु नहीं है। साध्वी किससे कहते हैं? यार तुम बेवकूफ समझ रहे हो, पढ़े लिखे। अरे प्रज्ञा का मैंने क्या बताया प्रज्ञा का मैंने नाम लिया है? प्रज्ञा को मैं नहीं जानता। कौन प्रज्ञा? मैं ये कह रहा हूँ 13 में पूछ लेना उमा भारती से, उमा भारती को जाके पूछना कि भानु प्रताप सिंह जब 13 में कांग्रेस से लड़ने आए थे तब आपने उनसे कहा था कि कांग्रेस को हराओ भाजपा को जिताओ। साध्वी हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से क्या अपील करें? मैं चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। अरे चक्रवर्ती सम्राट मेरे नरेंद्र मोदी जी, तुम खुश हो जाओ और तुम जुग जुग जियो, और जब तक धरती और चांद रहे सूरज तब तक प्रधानमंत्री बने रहो, पर इन तीनों बिलों को जल्दी खत्म कर दो और किसान आयोग का गठन कर दो और किसानों को आजाद कर दो और इनको फसलों के दाम तय करने का अधिकार कर दो, और नेक मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी और अडानी से नेक लड़ाई कर दो थोड़ी थोड़ी। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, आसाम में होने, बंगाल में चुनाव होने, आपको लगता है कि इस आंदोलन का फर्क वहाँ चुनाव पर पड़ेगा? देखिए ऐसा है, इन्होंने क्या काम किया है कि अभी बंगाल में आपका है सन 2022 में, उसके नाम आपका यूपी में और उत्तराखंड में चुनाव है, तो इनका सीधा सीधा मुद्दा है कि जिस तरीके से ये सरकार आई थी कि हमारे स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार, इन मुद्दों पर जो सरकार आई थी, डीजल पेट्रोल के दाम कितने महंगे हो गए हैं, यही बीजेपी की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी अगर 2 रुपए भी या 5 रुपए बढ़ जाते थे तो ये चिल्लाया करते थे बैठ बैठ के। आज इन्हें पता चल रहा है कि हमारे किसान जो डीजल और पानी जो खर्च हो रहा है, वो डीजल लेके खरीद के उसके बाद में इंजन चलाते हैं, बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं, हमारा देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, तो इन्होंने इन मुद्दों से भटकाने के लिए, इनसे कोई उस सवाल को न कर पाए तो इन्होंने इस बिल को इस तरीके से ला के और हम लोगों को उलझाने का काम किया है। लेकिन हमारे पूरे देश के सभी युवाओं का, सभी किसानों का, हर जगह अपना अपना ध्यान उनका भटकेगा नहीं, उन्हें हर चीज़ का आज किसानों का हक नहीं मिल रहा है, ये रोजगार हमारे युवाओं को नहीं मिल रहा है, तो पूरे हमारे किसान और हमारे युवा
सबका ध्यान केंद्रित है और सन 2022 में इनकी और सन 2024 में इनकी सरकार नहीं आने देंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।